अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। हम इसका सम नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, हमें इसमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और आज हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज मीन बाय सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही आंसर बी आ जाता है, दोबारा वाला, फर्स्ट वाला। तो इस तरह बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलते हैं हम सम की तरफ, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम क्या करेंगे कि जो b प्लस बी का ट्रांसपोज है, हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले b प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 1 1 2 0, ये b की वैल्यू पुट की। ठीक है, उसके बाद प्लस, ठीक है, b का ट्रांसपोज है तो फिर हम b की 1 1 2 0 उसका ट्रांसपोज ले लिया। ये देखें, अब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद इनको सम करेंगे। पहले ट्रांसपोज लेना है और सम करने के, जब सम करेंगे तो 1 प्लस 1, फिर इसको सिंप्लीफाई 2 3 3 0, b प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ का ट्रांसपोज दोबारा ले लेंगे। तो होल ट्रांसपोज लिया, ये देखिए, और जब इसको सॉल्व किया 2 3 3 0, तो 2 3 3 0 एज इट इज वैसे ही आंसर आ गया दोबारा। तो इससे साबित हुआ, ठीक है ना, ये देखिए 2 2 3 3 0 वही आ गया। तो b प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b प्लस बी का ट्रांसपोज, दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया। ये देखिए, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 वाला। तो सो वी कैन से दैट b प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।